नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत। हमारे बगल में हैं तरुण राज अरोड़ा जी, जो फलूदा एक्सप्रेस करके फलूदा का व्यापार करने बिहार में इसकी शुरुआत किए हैं। लगभग 6 महीने हो गए हैं। इसका आइडिया और इसका क्या क्या चीज़ें हैं, हम अभी तरुण जी से थोड़े संक्षिप्त में जान लेंगे। पहले बता चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी कई मीडिया के माध्यम से। तरुण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। शुक्रिया। और इसका आइडिया कहाँ से आया? आपने कई बार बता चुके हैं, मगर हम फिर से पूछना चाहेंगे कि इसका आइडिया कहाँ से आया। देखिए, ऐसा है, लॉकडाउन में जिस दिन पहला जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन कुछ घर पे बनाने की सूझी और तो उस दिन हमने फलूदा बनाया। तो मन में आया कि फलूदा का, कुल्फी का व्यापार किया जा सकता है। और जैसे ही हमने बिहार समय आगे बढ़ा और बिहार लौटते हुए लोगों की तस्वीरें देखी, तो मन में आया कि बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संदेह था कि वो लोग वापस अपने अपने नौकरी करने वाले शहरों में जा पाएंगे या नहीं। क्योंकि निसंदेह ही भारत फेल हो गया था उस समय, कि वो बिहार के लोग जो परिश्रम का प्रतीक माने जाते हैं, उन लोगों को वो इज्जत नहीं दे पाया, उन्हें अपने शहरों में नहीं रोक पाया। तो निश्चित ही संकोच था मन में कि ये लोग क्या उन शहरों में वापस आ पाएंगे जहाँ वो नौकरी करते थे। तो तभी उसी समय फलूदा एक्सप्रेस की शुरुआत। मतलब लॉकडाउन में आपने आपदा को अवसर में बदला, ये बहुत कम लोग कर पाते। देखिए, आपदा तो थी ही और एक ऐसी आपदा थी जिसे विश्व ने पहली बार देखा था। तो कुछ नया करने की सोची और परिणाम आपके सामने है। 100 से अधिक ठेलों के साथ हम बिहार में प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं आज। अच्छा, फलूदा एक्सप्रेस सबसे पहले आपने कहाँ, इसका शुरुआत कहाँ से किया? इसका नई दिल्ली में जनकपुरी एक जगह है। अच्छा, कौन से महीने में? 25 मई के दिन, 25 मई 2020। बिहार में कब किए? बिहार में हम पहली बार 7 अक्टूबर को आए थे। 8 अक्टूबर को हमने पहला डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया दरभंगा जिला के लिए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 20 ज़िलों में 20 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर हम कर चुके हैं, क्योंकि पटना में कुछ जोनल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी। प्राइस का कुछ जानकारी अगर दे दें? प्राइस 30 रुपये से हमारा कुल्फ़ी शुरू हो जाता है। कुल्फ़ी का प्राइसिंग 30 रुपये ही है और फलूदा हमारा 90 रुपये का। फलूदा से तो ऐसे बिहार में कई रोज़गार के अवसर भी आएंगे। और भी कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे जो फलूदा से और भी चीज़ें बेहतर की जा सके आपके नज़रिए से? देखिए, कुल्फ़ी है, फलूदा है, शेक्स हैं और सभी नेचुरल प्रोडक्ट द्वारा बनाए जा रहे हैं। दूसरा, अगर हम व्यापार की दृष्टि से सोचें तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस व्यापार से जुड़ा जा सकता है। और अगर कोई एक कार्ड का भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो भी 89,500 से हमारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात, जैसे शुरुआत में कोई भी चीज़ होती है तो लगता है कि अच्छा चीज़ हो रहा है या अच्छा चीज़ हो रहा है, मगर जैसे जैसे वो चीज़ें जमती है तो उसमें कुछ गिरावट आते हैं उसके क्वालिटी में या उसके नेचुरलिटी में। देखिए, हमारा जो USP है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी की गिरावट की जाए तो कोई भी बिज़नेस नहीं जम सकता। कोई भी बिज़नेस जो होता है वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए होता है। उस बिज़नेस का लाभ जो है आने वाली कई पीढ़ियाँ उठाती हैं। तो छोटी सोच के साथ कोई व्यापार नहीं किया जा सकता। इन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए प्रेरणा कौन दिए कि बिहार में या कहीं और भी ये फलूदा एक्सप्रेस का? और कोई लोग, देखिए ऐसा है, अगर मैं प्रेरणा की बात करूं तो समय सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो समय है, जो सिचुएशंस होती हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने समय से और सिचुएशन से सीखा। बिहार कौन लेकर आया? बिहार हमारे CNF हैं, रोहित गांधी जी, पाल होटल वाले। तो उनके साथ मेरा बिहार आना हुआ और हमने रहने वाले कहाँ के? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। चलिए, हम ये संक्षिप्त बातों में कई बातें, हमने कई सवाल किए और कई बातें जानी। और भी हम मिलते रहेंगे अरोड़ा जी से। इन्होंने बिहार के लिए जिस प्रकार से फलूदा का, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि फलूदा का और ऑनरशिप करके, मगर ये चीज़ें बिहार में अगर हो रही है तो कई चीज़ें अगर कई लोग सोच रहे हैं और बिहार के लिए कर रहे हैं। एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या बिहार का जो एक इमेज था कि बिहार में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा कुछ जानकारी अगर आपको, कोई चीज़ों का डर हो या कोई चीज़ों का जैसे माहौल पहले बिहार का था उस पर? ऐसा है, कोई भी माहौल बदलने में समाज को कम से कम एक दशक का समय चाहिए होता है। चीज़ें बदल रही हैं, परिणाम आने में समय लगता है। चलिए,
काफ़ी सकारात्मक नज़रिए से देख रहे हैं और काफ़ी सकारात्मक पहल के रूप में ये फलुदा एक्सप्रेस के जिस प्रकार से आज बातें किए हैं और होते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से बिहार के लोगों को फलुदा खिलाते रहें और इनका भी व्यापार बढ़ता रहे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बिहार के तमाम राजनीतिक और अभ्यर्थियों को मुद्दे के साथ हम आते रहेंगे। धन्यवाद।